Welcome back to my channel Bio Study Circle. Today we will start our new topic, communicable and non-communicable diseases, which is a part of your chapter Why do we fall ill? अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, then subscribe it and press the bell icon so that आपको मेरी videos time to time मिलती रहें. Let's start our topic, non-communicable diseases. So what are non-communicable diseases? Non-communicable diseases का मतलब होता है वो diseases जो एक person से दूसरे person तक spread नहीं होती और जिस person ने acquire की है उसी तक restricted रहती हैं. These type of diseases are called as non-communicable diseases. और ना ही कोई pathogen इन diseases को spread करता है. Okay? So these diseases are also called as non-infectious diseases. Non-communicable diseases को हम non-infectious diseases भी बोल देते हैं. So can I write that non-communicable diseases are those diseases which do not spread from one person to another? Do not spread from one person to other. Okay? These are non-communicable diseases. And non-communicable diseases are also called as non-infectious diseases. इन्हें हम non-infectious diseases भी बोल सकते हैं, non-communicable diseases को. Okay? Non-communicable diseases are of four types. ये चार type की होती हैं. Organic diseases, deficiency diseases, allergies and cancer. Okay? Organic diseases. Organic diseases में आ जाती है जैसे kidney failure, heart attacks, जो ये type की diseases होती हैं, इनको हम बोल देते हैं organic diseases. So organic diseases में एक example क्या आ गई? Kidney failure and heart strokes, heart attacks. Okay? Next है deficiency diseases. Deficiency diseases का क्या मतलब होता है? ऐसे diseases जो किसी चीज की deficiency से होती है, किसी चीज की कमी से होती है, उनको हम deficiency diseases बोल देते हैं. For example, night blindness. Night blindness क्या आ गई? Deficiency disease आ गई. Okay? So night blindness क्या है? Deficiency disease. Night blindness जो किस चीज की deficiency से होती है? Vitamin A की deficiency से. Vitamin A की deficiency से night blindness होती है. इसके अलावा जैसे कि scurvy है. Scurvy किसकी deficiency से होती है? Vitamin C की deficiency से. Okay? Anemia है. Anemia किसकी deficiency से होता है? आयरन की डेफिशिएंसी से होता है. तो वो डिजीजेस जो किसी चीज की डेफिशिएंसी से होती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस. तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी, नाइट ब्लाइंडनेस है, जो कि जिसको निक्टलोपिया भी बोल देते हैं हम. ओके? तो ये किस चीज की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से. इसके अलावा एनीमिया है, एनीमिया भी आयरन की डेफिशिएंसी से होती है. और स्कर्वी है, जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है. थर्ड है हे फीवर. जब पोलन ग्रेन्स फ्लावर के जो पोलन्स हैं, वो किसी की बॉडी में एंटर हो जाती हैं, तो उस ये एक टाइप की एलर्जी है. ओके? पर ये नॉन कम्युनिकेबल है, स्प्रेड नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. नेक्स्ट है कैंसर. कैंसर भी स्प्रेड नहीं होता, कैंसर भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन से होती है. जब सेल बार बार डिवाइड करता रहता है उससे कैंसर होता है. ओके? तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब वो डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड नहीं करती, जिस पर्सन ने उसे एक्वायर किया है उसी तक रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं. और इन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोल देते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को. एंड दीज आर ऑफ फोर टाइप्स. ऑर्गेनिक डिजीजेस जैसे किडनी फेलियर है, हार्ट अटैक है. ओके? नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो किसी चीज की डेफिशिएंसी से होती है.
जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस है, एनीमिया है, ओके, स्कर्वी है, तो ये किसकी एग्जांपल आ गई? डेफिशिएंसी डिजीजेस की। हे फीवर है, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। फोर्थ वन इज कैंसर। कैंसर इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल, स्प्रेड नहीं होता ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फिजिकल कॉन्टेक्ट से, ओके। किस वजह से होता है कैंसर? जब कोई सेल बार 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 डिवाइड करता रहता है, उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होनी शुरू हो जाती है, तो उससे कैंसर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज किस वजह से होती हैं? एज फैक्टर आ गया, ठीक है। तो एज से जब जब एज बढ़ेगी तो कुछ ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज टाइप 2 है, ये भी एज फैक्टर की वजह से होता है। हाइपरटेंशन है, इसके अलावा पुअर विजन है जो कि एज की वजह से होती है, ये भी नॉन कम्युनिकेबल है। एंड हार्ड हियरिंग है, ओके। तो ये किस में आ जाती है? एज फैक्टर्स जो कि एज की वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है। नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है। जब किसी जीन में म्यूटेशन आने की वजह से कोई डिजीज होती है, जीन में चेंज आने की वजह से जो डिजीजेस होती हैं, उनको जेनेटिक डिजीजेस बोल देते हैं। वो जेनेटिक्स की वजह से, वो जीन में म्यूटेशन आने की वजह से होती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम कब होता है? जब क्रोमोसोम नंबर 21 नंबर क्रोमोसोम पे ट्राइजोमी हो जाती है। ट्राइजोमी मतलब तीन क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जीन म्यूटेशन ही है, तो इस वजह से डाउन सिंड्रोम होता है, जो कि जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है, जो कि एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बर्थ के पहले से जो डिजीज होती है। नेक्स्ट है सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस भी जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। सिस्टिक फिब्रोसिस भी जीन में म्यूटेशन आने की वजह से होता है, तो इसमें जो म्यूकस है वो थिक म्यूकस सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, ओके। तो ये डाउन सिंड्रोम और सिस्टिक फिब्रोसिस ऐसी डिजीजेस हैं जो कि जीन में म्यूटेशन, जीन में चेंज आने की वजह से होती है। नेक्स्ट फैक्टर है स्मोकिंग। कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि स्मोकिंग की वजह से होती है, ठीक है। जैसे कि लंग कैंसर है, अस्थमा है, ये किसकी वजह से होता है? स्मोकिंग की वजह से, तो हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है अनहेल्दी डाइट। जो लोग हेल्दी डाइट नहीं ले पाते, उनकी वजह से ओबेसिटी। ओबेसिटी बहुत सारी डिजीजेस होने की वजह ओबेसिटी है, मोटापा है, ओके। जैसे ओबेसिटी की वजह से हार्ट डिजीजेस होनी शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, ओके। तो नेक्स्ट है फिजिकल इनएक्टिविटी। कुछ डिजीजेस ऐसी भी होती हैं जो फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से या फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करने की वजह से हो जाती है, जैसे कि हमारी बैक पेन होनी शुरू हो जाती है, लोअर बैक पेन होता है, वो क्या है? फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से होती है। नेक्स्ट एल्कोहल कंजप्शन। एल्कोहल कंजप्शन की वजह से जो कुछ डिजीजेज होती हैं, जैसे कि लीवर डिजीज, लीवर खराब होना शुरू हो जाता है जो लोग एल्कोहल की ज्यादा कंजप्शन करते हैं एल्कोहल की, ओके। ब्लड प्रेशर है, जो भी, ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीजेज। कम्युनिकेबल डिजीजेज कौन सी होती है? जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होती है, ऐसी डिजीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होती हैं, उन डिजीजेज को हम क्या बोल देते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेज बोल देते हैं। नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो स्प्रेड नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एंड कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसी डिजीजेज जो स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। कम्युनिकेबल डिजीजेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीजेज। इन्हें हम कौन सी डिजीज बोल देते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेज भी बोल सकते हैं। तो ये पैथोजेंस की वजह से होती हैं। पैथोजेंस का क्या मतलब होता है? पैथोजेंस का मतलब
डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, पैथोजन्स। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो किसकी वजह से होती है, पैथोजन्स की वजह से होती है। जैसे कि वायरसेस है, वायरसेस से होने वाली डिजीज जैसे कि कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से। कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से। ओके, इन्फ्लुएंजा है ये भी वायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस बोल देते हैं जिससे कि हम। पोलियो है, पोलियो भी वायरस की वजह से होता है। तो पोलियो में क्या होता है, फीवर, हेडेक और पैरालिसिस हो जाती है लिम्स की। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस भी वायरस की वजह से होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस बी सी डी जी। ओके, एंड एड्स। एड्स जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एचआईवी वायरस की वजह से होता है। एड्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि एचआईवी वायरस की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेबीज है। रेबीज भी रेबीज वायरस की वजह से होता है। जब डॉग बाइट करता है तो उसके सलाइवा से वायरस ह्यूमन तक पहुंच जाता है जिसकी वजह से रेबीज होती है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिजीजेस। ये तो वो डिजीजेस थी जो वायरसेस की वजह से होती थी। नेक्स्ट है बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीजेस होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से। ओके, ट्यूबरक्लोसिस है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट टाइफॉइड है, जो साल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, बैक्टीरिया है। कॉलेरा है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। टेटिनस है, डायरिया है, डायरिया है। ओके, और साइफिलिस गोनोरिया, ये क्या है, ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। ये दोनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं। इसके अलावा लेप्रोसी है, एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स कैटल में भी होता है, कैटल में भी ये डिजीज होती है और ह्यूमंस में भी। ये सारी क्या है, बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। ऐसी डिजीजेस जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जैसे कि मलेरिया है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम। उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो जिसका नाम एनोफिलीज है, जिसका नेम क्या है, एनोफिलीज। जब फीमेल मॉस्किटो बाइट करता है तो उसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम विवेक्स होता है, जिससे वो प्लाज्मोडियम विवेक्स हमारे अंदर एंटर हो जाता है जब वो मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो हमें बाइट करता है, जिसकी वजह से लीवर सेल्स और रेड ब्लड सेल्स हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हमें मलेरिया होता है। तो मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो प्रोटोजोआ की वजह से होती है, जिसका नाम नेम क्या है प्लाज्मोडियम विवेक्स। जब फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज हमें बाइट करती है तो उससे प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, जो हमारे लीवर सेल्स और रेड ब्लड सेल्स को पे अटैक करता है। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कौन सी डिजीज है, जो कि ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की वजह से होती है। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से, ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। स्लीपिंग सिकनेस है ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की वजह से होती है। नेक्स्ट है काला आजार। जो है वो लिशमेनिया डोनोवेनाई की वजह से होता है।
तो यहाँ पे मैं नेम लिख देती हूँ लिशमेनिया डोनोवेनाई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंगस की वजह से जो डिजीज होती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन है जो रिंग वॉर्म्स की वजह से होती है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। वॉर्म्स की वजह से होती है एस्कैरियसिस। एस्कैरियसिस वो डिजीज है जो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से होती है। किस वजह से होती है? एस्कैरिस, जिसे हम पेट के कीड़े बोल देते हैं, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, लुम्ब्रिकॉइड्स जो कि पेट के कीड़े बोल देते हैं। टीनियासिस है, टीनियासिस जो होता है वो टेप वर्म की वजह से होता है। जो लोग पिग खाते हैं तो पिग से वो जो टेप वर्म है वो ह्यूमंस में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से टीनियासिस डिजीज होती है। ओके, एलिफेंटियासिस है, एलिफेंटियासिस डिजीज जो है वो वाउचीरिया की वजह से होता है, वाउचीरिया की वजह से, वाउचीरिया की वजह से एलिफेंटियासिस होती है। माइट्स की वजह से स्कैबीज होती है। तो क्या पढ़ा हमने? कम्युनिकेबल डिजीजेस, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होती है। इन डिजीजेस को हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये पैथोजेंस की वजह से होती है। कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो पैथोजेंस की वजह से होती है। पैथोजेंस मतलब क्या होता है? पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं उन्हें हम पैथोजेंस बोल देते हैं। जैसे कि वायरसेस हैं, वायरसेस की वजह से कौन सी कॉमन कोल्ड होता है, वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा, वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा होता है, पोलियो वायरस की वजह से पोलियो होता है, हेपेटाइटिस है वो भी वायरल डिजीज है, एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो कि एचआईवी वायरस की वजह से होता है, रेबीज है ये भी वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीजेस, ऐसी डिजीजेस जो बैक्टीरिया की वजह से होती है उन्हें बैक्टीरियल डिजीजेस बोल देते हैं। ये भी कम्युनिकेबल की टाइप्स आ गई। ट्यूबरक्लोसिस है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। टाइफाइड है, ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफी जिसका नाम है। कॉलरा भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। टेटनस है, डायरिया है, साइफिलिस है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीजेस है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली डिजीजेस जैसे कि मलेरिया है। मलेरिया है जब फीमेल मॉस्किटो एनोफिलिस बाइट करता है तो उससे प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो एंटर हो जाता है ह्यूमंस में, जो कि लीवर, हमारे लीवर और रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है। स्लीपिंग सिकनेस है, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की वजह से होती है। कालाजर है जो कि लिशमेनिया डोनोवेनाई की वजह से होती है। तो ये मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और कालाजर है वो प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली डिजीजेस हैं। नेक्स्ट फंगल डिजीजेस, फंगल फंजाई की वजह से जो होती है, जैसे रिंग वॉर्म है, फंगल इन्फेक्शन बोल देते हैं हम इसे। वॉर्म्स की वजह से होने वाली डिजीजेस जैसे कि एस्कैरियासिस है, जब हम बोल देते हैं पेट में कीड़े हैं तो एस्कैरिस उसका नेम होता है, उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसे हम एस्कैरियासिस बोल देते हैं। टीनियासिस है जो टेप वर्म की वजह से होती है। टीनियासिस जब जो लोग पिग खाते हैं उससे जो टेप वर्म है, टीनिया सोलियम है, वो एंटर हो जाता है ह्यूमंस में। ओके, तो वो अपनी हुक्स जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इंसर्ट कर लेता है। एलिफेंटियासिस है, एलिफेंटियासिस जो है वो वाउचीरिया की वजह से होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइट्स की वजह से, जैसे स्केबीज होती है। ओके, मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है और एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब जो किसी भी इंटरमीडिएट की वजह से नहीं होता, किसी भी वेक्टर की वजह से नहीं होता। जैसे कि
कुछ ऐसी डिजीज है जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती है, जैसे कि चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, कॉमन कोल्ड है, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होने वाली डिजीजेज जैसे कि कफ है, कॉमन कोल्ड है, कोरोना है, ये सारी स्नीजिंग कफिंग की वजह से हो सकती है, या स्पिटिंग की वजह से, या सॉइल के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से भी कुछ डिजीज होती है, जैसे कि टेटनस है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब ऐसी डिजीजेज जो किसी भी कोई भी ऐसी फ्लाइज या कोई भी ऐसा एनिमल जो डिजीज को कैरी करके लेके आता है, जो पैथोजेंस को कैरी करता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड करता है, ओके, उनको हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बोल देते हैं। जैसे हाउस फ्लाइज हैं, हाउस फ्लाइज पैथोजेंस कैरी करके लेके आती है और उससे डिजीज को स्प्रेड करती है। एयरबोर्न डिजीजेज है जो एयर की वजह से किसी के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर जाता है, ओके। नेक्स्ट है फोमिट बोन डिजीजेज, जो गारमेंट शेयर करने की वजह से या टॉयज, यूटेंसिल्स, किसी भी सरफेस को हम टच करते हैं, जिस सरफेस को इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया, उसी सरफेस को कोई हेल्दी पर्सन टच कर ले, उससे होने वाली डिजीजेज है। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो जाती हैं, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज बोल देते हैं, इनको हम इन्फेक्शियस डिजीज बोल देते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ऐसी डिजीजेज जो स्प्रेड नहीं करती एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोल देते हैं। इसमें हमने चार टाइप्स पढ़ी, ऑर्गेनिक डिजीजेज जिसमें एग्जाम्पल आ गई किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, डेफिशिएंसी डिजीजेज जो किसी चीज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जैसे कि एनीमिया है, स्कर्वी है, ओके, नाइट ब्लाइंडनेस है, हे फीवर है, ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, और कैंसर है, ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। रिस्क फैक्टर जैसे कुछ एज की वजह से हो जाती है डिजीज, जैसे कि डायबिटीज है, जेनेटिक्स की वजह से जीन्स में म्यूटेशन आने की वजह से हो जाती है डिजीज, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फिब्रोसिस है, स्मोकिंग की वजह से होने वाली डिजीज जैसे कि लंग कैंसर है, अनहेल्दी डाइट की होने की वजह से जैसे ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से कुछ डिजीज होती है जैसे कि लोअर बैक पेन है, एल्कोहल कंजप्शन की वजह से जैसे लीवर कैंसर, लीवर डिजीजेस हैं वो एल्कोहल कंजप्शन की वजह से होती है, ओके। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड करती है, जैसे कि वायरसेस की वजह से होने वाला कॉमन कोल्ड है, ओके, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड है, प्रोटोजोआ की होने की वजह से डिजीजेज जो होती हैं जैसे मलेरिया है, स्लीपिंग सिकनेस है, ओके, फंगस की वजह से होने वाली जैसे फंगल इन्फेक्शन है जो कि रिंगवर्म्स की वजह से होती है, वर्म्स की वजह से होने वाली डिजीजेज जैसे कि एस्कैरियासिस है जिसे हम पेट में कीड़े बोल देते हैं, नेक्स्ट कीनियासिस है जो पिग की वजह से, जो लोग पिग खाते हैं उनमें ये एंटर हो जाती है। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन से है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से डिजीजेज होती है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जैसे किसी फ्लाइज की वजह से जो पैथोजन कैरी करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड करती है, तो इनडायरेक्ट वजह से, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट की वजह से भी ये डिजीजेज हो सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।